3 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत के मामले में नया मोड़ आ गया। आरोपी और उसके परिजनों ने कहा कि युवक चाय बना रहा था और मासूम के ऊपर गर्म चाय गिरी थी, जिसके चलते वह चिल्लाई थी। बच्चे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग उसे पकड़ लिए। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल मामला चौराहटा थाना क्षेत्र का है, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया है। घटना के दौरान बच्चे की मां मजदूरी कर रही थी और बच्ची अन्य मजदूरों के बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी चाय बेचने वाले शख्स ने बच्ची को पकड़कर दुष्कर्म का प्रयास किया है। बच्ची के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया है और पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। बच्ची की मां सहित स्थानीय लोगों ने युवक पर बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है, जबकि युवक ने अपनी सफाई में बच्ची के ऊपर चाय गिरने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने परिजन सहित स्थानीय लोगों के बयान को दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना शहर के चौराहटा थाना क्षेत्र स्थित करैया मंडी की है, जहां शनिवार की सुबह खेल रही महिला मजदूर की 3 वर्षीय बच्ची के साथ चाय बेचने वाले शख्स ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने बताया कि आज सुबह तकरीबन 10 बजे बच्ची की मां करैया मंडी में मजदूरी का काम कर रही थी, जिसकी 3 साल की बच्ची मंडी में ही काम करने वाले अन्य मजदूरों के बच्चों के साथ खड़े ट्रक की आड़ में खेल रही थी। बताया गया कि बच्चे जब खेल रहे थे, तभी एक युवक वहां पहुंचा, जो अक्सर चाय बेचता नजर आता है। युवक खेल रहे बच्चों में से एक बड़ी बच्ची को पकड़ने लगा, लेकिन उसके भागने पर आरोपी छोटी बच्ची को पकड़कर दुष्कर्म का प्रयास किया। तभी बच्ची की चीख सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पकड़े गए आरोपी युवक ने सफाई भी दी। दरअसल मामले में युवक पर जहां परिजन सहित स्थानीय लोगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है, तो वहीं आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि वह चाय बेच रहा था, जिस दौरान बच्ची के ऊपर चाय गिर गई और गर्म चाय होने की वजह से बच्ची चीखने चिल्लाने लगी। युवक ने कहा कि जब बच्ची चिल्ला रही थी तो वह उसे शांत कराने का प्रयास कर रहा था, इसी बीच लोगों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि युवक की इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। शहर में हुई इस घटना को लेकर एसपी नवनीत भसीन ने मामले को गंभीरता से लिया है। एसपी ने कहा है कि आरोपी युवक को राउंडअप कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए एक महिला अधिकारी को भी तैनात किया गया है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। इधर घटना के तुरंत बाद ही सीएसपी घटना स्थल पहुंचे और मौजूद परिजन सहित स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। करैया गल्ला मंडी में कुछ महिलाएं जो है काम करती हैं, वहाँ उनके बच्चे वहीं खेलते रहते हैं। एक आदर्श यादव जो चाय बेचने का काम करता है, इटली में लेकर के घूम करके चाय बेचता है, उसने एक बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उसको गुप्तांगों में हाथ लगाने का और फिंगरिंग करने का प्रयास किया था, जिसकी सूचना चौराहटा टीआई को मिली। थाना चौराहटा में उसके विरुद्ध जो है दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको अभिरक्षा में ले लिया है। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, प्रकरण की विवेचना भी वर्तमान में जारी है।